नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गरीब मेहंदी वाली की तीज। एक बार हिना की माँ सुमित्रा उससे कहती है, ये देखो फिर से शुरू हो गई, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। हिना कहती है, क्या हुआ माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सुमित्रा कहती है, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, कब से आवाज लगा रही हूँ लेकिन इन मैडम को एक बार में सुनाई कहाँ देता है। हिना कहती है, ओहो माँ आप ही देखो ना, मैंने कितना सुंदर डिजाइन बनाया है, बस इसी में ध्यान लगा था मेरा, शायद इसीलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा बताओ क्या काम है, मैं ये बाद में पूरा कर लूंगी। सुमित्रा कहती है, कुछ काम नहीं है, खाने की थाली कब से लगा रखी है, अब महारानी को फुर्सत मिल गई हो तो चलकर खाना खा लो। हिना कहती है, अच्छा खाना खाना है, आप शुरू करो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। सुमित्रा वहां से जाते हुए कहती है, हाँ हाँ पता है तेरे 2 मिनट। इतना कहकर सुमित्रा गुस्से में हिना के कमरे से बाहर चली जाती है और फिर खाने की मेज पर हिना के पापा वहां आ जाते हैं और सुमित्रा से कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो भाग्यवान? सुमित्रा कहती है, अब आप ही समझा लीजिए अपनी लाडली को, मेरी तो एक भी नहीं सुनती है। सुमित्रा के पति कहते हैं, हाँ तो क्या हो गया, तुम पर ही तो गई है। सुमित्रा कहती है, आपको मजाक सोच रहा है, यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सारा दिन बस मेहंदी के डिजाइन बनाती रहती है और कोई काम नहीं करती है। सुमित्रा के पति कहते हैं, अरे इसका मतलब वह सचमुच तुम पर ही गई है, तुम्हें भी तो मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था ना इस उम्र में। सुमित्रा कहती है, हाँ पर मैं घर का सारा काम काज निपटाने के बाद यह सब करती थी और ये लड़की ये तो खाना पीना भी छोड़कर बैठी है। सुमित्रा अपने पति सुरेश से हिना की शिकायत कर ही रही थी तभी हिना वहां आ जाती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या बनाया है माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सुमित्रा कहती है, मिल गई तुझे फुर्सत। हिना कहती है, हाँ माँ देखो ना आज का डिजाइन, पापा देखिए ना कैसा है। सुरेश उस डिजाइन को देखकर कहते हैं, सच में डिजाइन तो वाकई बढ़िया है लाडो। सुमित्रा गुस्से से कहती है, ये लाडो लाडो बोलकर ही आपने इसका दिमाग खराब करके रखा है, मेरी जान को कितना काम पड़ा है, पता है तीज आ रही है मगर ये लड़की मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती। सुरेश कहते हैं, ओहो आज सिर्फ खरी खोटी ही सुनाओगे या कुछ खाने को भी मिलेगा भाग्यवान? सुरेश की बात सुनकर सुमित्रा की हंसी निकल गई और उसे हंसता देख सभी लोग हंसने लगे। हिना अपने माता पिता की अकेली संतान थी, हिना को बचपन से ही मेहंदी के नए नए डिजाइन बनाने का बड़ा शौक था, वह कागज पर रोज कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती थी, फिर उसे अपने या अपनी माँ के हाथों पर लगाती। हिना की कॉलेज की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी थी तो अब उसके लिए रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। एक दिन सुरेश सुमित्रा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, अरे सुमित्रा कहाँ हो, जल्दी आओ। सुमित्रा आकर उनसे कहती है, क्या हुआ जी? सुरेश कहते हैं, जरा इस फोटो को तो देखो कैसा है लड़का। सुमित्रा कहती है, दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है। सुरेश कहते हैं, हाँ वो कानपुर वाले फूफा जी हैं ना, उन्होंने बताया इस लड़के के बारे में, अपनी हिना के लिए कैसा रहेगा ये लड़का। सुमित्रा कहती है, काम क्या करता है और परिवार में कौन कौन है? सुरेश कहते हैं, फूफा जी बता रहे थे कि कानपुर में इनका अपना कारखाना है और वहां पर अपना दोना पत्तल और डिस्पोजल वगैरह बनाते हैं, ये अच्छे पैसे कमा लेते हैं, फूफा जी की रिश्तेदारी में है। सुमित्रा कहती है, हाँ पर उससे पहले यह फोटो एक बार हिना को दिखा देते तो उसे भी लड़का पसंद आ जाए तभी हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। सुरेश जी कहते हैं, अरे हाँ ये सही कह रही हो तुम। सुरेश जी हिना के कमरे में जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, लाडो ओ लाडो, अरे कहाँ है बिटिया? सुरेश ने फौरन जाकर कमल की फोटो हिना को दिखाई तो हिना को भी कमल पसंद आ गया, उधर कमल को भी हिना पहली ही नजर में पसंद आ गई थी और इस तरह से कुछ ही दिनों में कमल और हिना की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद कमल और हिना अपनी गृहस्थ जीवन में बहुत खुश थे। फिर एक शाम हिना कागज पे कुछ लिख रही थी तभी कमल वहां आता है और उससे पूछता है, ये क्या लिख रही हो हिना? हिना कहती है, लिख नहीं रही हूँ, मेहंदी का डिजाइन बना रही हूँ। कमल कहता है, अच्छा पर कागज पर क्यों?
हिना कहती है, प्रैक्टिस तो रोज ही करनी होती है ना, तो इसलिए कागज पर ही डिजाइन बनाती हूँ। कमल कहता है, अच्छा, जरा दिखाओ कैसी बनाई है तुमने। कमल वो डिजाइन देखता है और कहता है, अरे वाह, ये डिजाइन क्या सचमुच तुमने बनाई है। हिना कहती है, हाँ मैंने बनाई है, अच्छा है ना। अब रुको, मैंने और भी डिजाइन बना के रखे हैं, रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। हिना ने अपने बनाए सारे डिजाइन कमल को दिखाए, जो कमल को बहुत पसंद आए और उसने हिना की खूब तारीफ की। सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक सुबह कमल को किसी का फोन आता है। कमल कहता है, हेलो, क्या हुआ राठी जी, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया है। उधर से राठी जी, जो उसके मैनेजर थे, वो कहते हैं, सर आप जल्दी से आ जाइए, गजब हो गया, अपनी फैक्ट्री में आग लग गई है सर, सब कुछ जलकर खत्म हो गया है सर, कुछ भी नहीं बचा, जल्दी आ जाइए। फोन पर अपने मैनेजर की बात सुनकर कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फैक्ट्री पहुंचा तो देखा वाकई फैक्ट्री पूरी तरह से जल रही थी। तभी एक जलती हुई बड़ी सी लकड़ी कमल पर आकर गिरी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से झुलस गया। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और यहाँ से सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री के काम को बढ़ाने के लिए कमल ने हाल ही में कई सारी नई मशीनें लोन पर खरीदी थी। मशीनें तो नहीं बची, लेकिन लोन चुकाने के चक्कर में पहले कमल की गाड़ी बिकी और फिर घर। मजबूर होकर कमल और हिना किराए के मकान में रहने लगे थे। फिलहाल कमल की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कोई और काम कर सके। ऐसे में हिना ने घर चलाने का जिम्मा उठाया और वह घर घर जाकर औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। हालांकि इस काम में उसे बहुत कम पैसे ही मिल पा रहे थे, लेकिन हिना फिर भी पूरी मेहनत कर रही थी। एक दिन कमल हिना से कहता है, कैसे क्या हो गया ना हिना, मैं किसी काम का नहीं रहा, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, मगर मेरे रहते हुए भी तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। हिना उससे कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हिना चाहती थी कि वह अपना एक पार्लर खोले, लेकिन फिलहाल यह मुमकिन नहीं था। मेहंदी लगाने का काम भी सीजन पर ही मिल पाता था, तो अब दिक्कत खाने पीने की भी होने लगी थी। ऐसे में हिना ने एक सेठ के घर मेट का काम शुरू कर दिया था। वह सेठ के घर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। और फिर एक दिन हिना की मालकिन उससे कहती है, सुन, तुझे कोई मेहंदी वाली पता है क्या। हिना पूछती है, क्यों मैडम, क्या हुआ। उसकी मालकिन कहती है, अरे वो तीज आ रही है ना, तो मेहंदी लगवानी थी। आहा, बाहर कितनी गर्मी है, अब ऐसे में कौन बाहर जाए, तो घर पर ही आकर कोई लगा दे तो बढ़िया रहेगा। हिना उससे कहती है, हाँ हाँ मैडम जी, मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, आप मुझसे लगवा लो ना। मालकिन कहती है, अगर खराब कर दी तो, वो तीज की पार्टी है मेरे यहाँ, मेहंदी तो मुझे बढ़िया ही लगवानी है। हिना उनसे कहती है, मैडम आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और रुकिए मैं आपको अभी कागज पर मेहंदी का डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ, फिर आगे आप ही तय करना। इतना कहकर हिना ने फौरन एक कागज लिया और कुछ ही देर में उस पर एक बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिजाइन बना दिया और फिर अपनी मालकिन को दिया। मालकिन ने उसे देखा और कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, अब तू ये डिजाइन मेरे हाथ पर सेम टू सेम लगा देगी ना। हिना कहती है, हाँ मैडम आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बचपन से ये करती आ रही हूँ। उस दिन हिना ने पूरे मन से अपने मानकिल के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई। हिना ने जो डिजाइन बनाया था वो एकदम नया था और सुंदर भी। फिर अगले दिन हिना के मालिक ने उसे बुलाया। हिना ने उनको कहा, नमस्ते साहब, वो आपको कुछ कहना था। मालिक कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कल शिवानी के हाथों पर मेहंदी तुमने ही लगाई थी ना। हिना कहती, जी साहब मैंने ही लगाई थी, आप कोई गलती हो गई क्या मुझसे। मालिक कहते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, बस बस ये जानना था तुमसे कि मेहंदी का वो डिजाइन कहाँ से देखकर लगाया तुमने। हिना कहती है, कहीं से नहीं साहब, वो तो मैंने खुद ही सोचा था, मैं कहीं से देखकर कभी कोई डिजाइन नहीं बनाती। मालिक कहते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो जरा ये कागज और लो, और जरा इस पर एक मोर की थीम पर बेस्ड एक डिजाइन बनाकर दिखाओ, पर याद रहे डिजाइन बिल्कुल नया होना चाहिए। हिना कहती है, जी साहब बस 2 मिनट दीजिए।
हिना ने बस कुछ ही मिनटों के अंदर वो करके दिखा दिया जिसे देखकर उसका मालिक साहिल मल्होत्रा हैरान रह गया। हिना ने बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक मोर की डिजाइन बनाई थी। हिना का मालिक कहता है, वाह सच में कमाल हो गया, ये डिजाइन तुमने कहीं से सीखी है क्या? हिना कहती है, कहीं नहीं सीखी साहब, मुझे तो बचपन से ही ये शौक है मेहंदी लगाने का, तो बस इसीलिए धीरे धीरे करके सीख गई। मालिक कहता है, समझ गया, देखो हिना तुम्हारा हुनर लाजवाब है और तुम्हें अपने हुनर को ऐसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हिना कहती है, जी मतलब साहब मैं समझी नहीं कुछ। मालिक कहता है, तुम्हें पता है ना मेरी फैक्ट्री में लेडीज कपड़ों के लिए कपड़ा बनता है, लेकिन काफी समय से मैं परेशान हूँ क्योंकि सूट साड़ी वगैरह के लिए मेरे पास नए डिजाइन की कमी पड़ गई है, लेकिन अब लगता है कि ये कमी नहीं रहेगी। बोलो बताओ, और एज अ डिजाइनर मेरे साथ काम करोगी? हिना बहुत खुश हो जाती है और खुशी से कहती है, जी साहब बिल्कुल करूंगी। ये हिना के लिए सपने के सच होने जैसा था। अब वह काम वाली बाई से एक डिजाइनर बन गई थी। वह साहिल की फैक्ट्री में बनने वाले कपड़ों के लिए हर रोज नए नए डिजाइन्स बनाने लगी थी, और इसके बाद साहिल की फैक्ट्री में बनने वाले कपड़ों की डिमांड काफी बढ़ गई, और इसके चलते हिना को भी उसके काम की बढ़िया सैलरी मिलने लगी। हिना अब अपनी कमाई से ना सिर्फ अपना घर चलाती थी बल्कि उसे शहर के बढ़िया डॉक्टर से कमल का इलाज भी कराया, जिससे कमल बहुत जल्दी ठीक हो गया और उसने भी काम करना शुरू कर दिया। पर इस सब में 1 साल का समय पूरा बीत गया था और एक बार फिर से तीज का त्योहार आया। उस दिन हिना बहुत अच्छी से तैयार हुई थी। वो अपने पति कमल से कहती है, देखिए तो आज मैं कैसी लग रही हूँ। कमल उससे कहता है, बिल्कुल चांद जैसी लग रही हुई ना। नई हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो उसने खुद डिजाइन की थी, और वाकई वो उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। कमल हिना से कहता है, तुम सच में बहुत बहादुर हो, मैं तो उस हादसे के बाद उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। हिना उससे कहती है, तीज का यह त्योहार ही इसलिए है जी कि मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। संध्या की बुआ जो दिल्ली में रहती थी वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई और अपने भैया से कहने लगी, देखो भैया मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर मैं इतना जानती हूँ कि अड़ोस पड़ोस में कहीं पूछोगे तो लोग अच्छा ही घर बताएंगे। संध्या के पिताजी कहते हैं, सुमन अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं, संध्या भी लड़के को देख लेगी। संध्या की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है और कुछ ही दिनों में संध्या की शादी पुलकित काम के लड़के से हो जाती है। शादी होकर सभी लोग खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अब यहाँ संध्या की सास के घर आज नौकरानी नहीं आई थी, काम वाली नहीं आई थी, तो वो घर में बड़बड़ाने लगती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर गांव अभी जाना था, उसे पता था कि शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे, फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी। तभी संध्या के ससुर जी अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, अरे राजेश्वरी एक प्याली चाय तो दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। संध्या की सास बड़बड़ाते हुए कहती है, तुम्हें तो जब देखो तब चाय पीने की पड़ी रहती है, पता भी है एक बर्तन भी नहीं धुला हुआ है जिसमें तुम्हारी चाय बना लूं, ढेरों बर्तन रसोई में पड़े हैं झूठे के झूठे। तभी संध्या की ननद अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम मुझे यह मत कहना कि मैं छुट्टी ले लूँ और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊँ, मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट करना है इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। संध्या की सास कहती है, ये लो अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संध्या की सास राजेश्वरी अभी काम वाली को लेकर परेशान हो ही रही थी, तभी संध्या राजेश्वरी की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। राजेश्वरी संध्या से कहती है, अरे संध्या बहू तुम ये रसोई में क्या कर रही हो, हटो हटो ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी करवाऊंगी, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। संध्या अपनी सास से कहती है, माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं थोड़ी देर में ही सारा काम निपटा दूंगी, आप अकेले इतना सारा काम नहीं कर पाओगे।
राजेश्वरी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तभी संध्या का पति वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। राजेश्वरी अपने बेटे से कहती है, मैंने पूछा था पर अभी किसी के घर भी कोई काम वाली नहीं है और किसी काम वाली के पास समय भी नहीं है। पुलकित काम पर चला जाता है। संध्या सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसे होने लगा, काम वाली तो थी नहीं। संध्या की ननद पूजा सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती है और सास पैरों में दर्द होने का बहाना करके बिस्तर पर आराम करती। संध्या तो मानो घर के कामों में ही उलझ कर रह गई थी। एक शाम संध्या की ननद पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो, बेचारी गरीब घर की है ना, इसलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर के काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बना कर लाते तो वह पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस बर्तन घिसते रह जाते। संध्या की सास राजेश्वरी कहती है, तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता था कि यह गरीब घर की लड़कियां बहुत सीधी सादी बहुएं साबित होती है। अब वह काम वाली गांव भाग गई है। सोच, ये भी नहीं होती तो घर का काम कौन करता। तभी संध्या के ससुर आ जाते हैं और अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहते हैं, राजेश्वरी तुम दोनों माँ बेटी को तो संध्या बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए, बेचारी ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संध्या सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन संध्या के ससुर अपने बेटे से पूछते हैं, क्या हुआ पुलकित बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए। पुलकित अपने पापा से कहता है, पापा मेरी नौकरी छूट गई है, कंपनी घाटे में चल रही थी ना, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत सारे वर्कर को अचानक निकाल दिया है। दिमाग खराब हो रहा है, गाड़ी की किस्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है, घर का खर्चा, अब सब कुछ कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित के पिता उससे कहते हैं, पुलकित बेटा चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, ज्यादा होगा तो मैं कुछ दिनों के लिए कोई काम ढूंढ लूंगा। पुलकित अपने पापा से कहता है, पापा मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं खुद कुछ सोचता हूँ। पुलकित दूसरी नौकरी के लिए परेशान था, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई थी। पुलकित ने अपनी गाड़ी बेच दी थी, घर के लोन को लेकर वह परेशान था, उसे 15,000 रुपये की किस्त भी भरनी थी। तभी पूजा अपने भाई के पास आकर कहती है, भैया मेरे कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है, मेरा आखिरी साल है, अगले महीने 5 तारीख तक 12,000 रुपये की फीस भरने के लिए कहा है। पुलकित अपनी बहन से कहता है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ सोचना ही होगा, पता नहीं कैसे होगा। तभी संध्या अपने फ्रेंड किरण से फोन पर बात करती है और उससे कहती है, किरण ने बात कर ली होगी, पूछती हूँ। हेलो किरण, मैं संध्या बोल रही हूँ, तूने बात की, फिर पार्लर में जगह खाली है क्या? किरण कहती है, हाँ मैंने बात कर ली है, 12,000 महीना देगी रविता मैम। बोल, तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। संध्या कहती है, हाँ ठीक है, तू हाँ बोल दे, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। संध्या पुलकित से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना कर देता है पर संध्या उसे समझाती है, पुलकित मैं जानती हूँ आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हो, मैंने आपसे शादी के बाद हर दुख सुख में साथ निभाने का वादा किया था, और आप परेशान मत हो, मैं घर और बाहर दोनों का काम एक साथ संभाल लूंगी। पुलकित संध्या से कहता है, ठीक है संध्या, तुम कल से पार्लर में नौकरी करने के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संध्या घर के सारे काम के साथ साथ पार्लर भी जाती है और वहां पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती है और शाम के वक्त घर आती है। संध्या बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके। संध्या बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी, यह बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू कर दिया। संध्या को पार्लर में मेहंदी लगाने का काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन रविता भी संध्या की मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत खुश हुई थी। एक दिन पार्लर की मालकिन रविता संध्या से कहती है, संध्या तुम सचमुच बहुत मेहनती हो, पिछले 1 महीने में बहुत से क्लाइंट तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं
और हमारी फैमिली फ्रेंड्स की शादियां, सगाई, फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी लगाने के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, यह सैलरी 12,000 रुपये, तो और तुमने ओवर टाइम भी किया था ना शादी के सीजन में, उसके लिए 6,000 अलग से दे रही हूँ। संध्या बहुत खुश हो जाती है और रविता से कहती है, थैंक यू मैम, आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की, मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत करती आ रही हूँ। संध्या घर आ जाती है और 12,000 रुपये पूजा के हाथ में रखती है और पूजा से कहती है, पूजा, यह तुम्हारी कॉलेज की फीस के पैसे, तुम कल ही अपनी फीस जमा कर देना। पूजा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, आप ये सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? संध्या कहती है, नहीं, पूजा, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, भाभी तो माँ के समान होती है, तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो लेती हो ना, फिर मेरे और अपने भैया में फर्क कैसा? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए यह पैसे रख लो। पूजा अपनी भाभी को गले लगा लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने न जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा था। पुलकित को भी इधर दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संध्या और पुलकित दोनों मिलकर घर का काम करते हैं। राजेश्वरी और पूजा भी अब संध्या के घर के कामों में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियां फिर से लौट आई थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।